ऑटिज्म, मेरा नाम है ईना। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरा एक 7 साल का बेटा है, ऑलमोस्ट 7 साल, क्योंकि 17 सितंबर को उसका बर्थडे आ रहा है। सो वो 7 साल का है एंड वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे है। पहले मॉडरेट सिम्टम्स पे था, अब माइल्ड पे है, और बहुत सारे थेरेपिस्ट बोलते हैं कि उसके काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स जो हैं वो फेड अवे हो गए हैं, तो वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन ऑटिज्म पे आ गया है। सो ये डायग्नोसिस हमें मिलता है, लेकिन हम कभी भी डायग्नोसिस के बेसिस पर नहीं चले हैं। ये मैंने आपसे इसलिए शेयर किया है क्योंकि मुझसे मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विराज का डायग्नोसिस क्या है, और ये शेयर करने के पीछे एक रीज़न ये भी है कि आपको ये पता चल सके कि अगर आपके बेबी को मॉडरेट या फिर माइल्ड या फिर सिवियर या कोई भी डायग्नोसिस मिला है, तो डायग्नोसिस सिर्फ एक नाम है। मेन काम चैलेंजेस पे करना होता है। जैसे जैसे हम चैलेंजेस पे काम करते जाते हैं, सिम्टम्स फेड अवे होते हैं एंड हमारा जो डायग्नोसिस है वो भी चेंज होता जाता है। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो है स्केटिंग के बारे में। अभी वीडियो के शुरुआत में आपने एक क्लिप देखी थी जिसमें विराज स्केटिंग कर रहा है, हमने कैसे उसको स्केटिंग सिखाई थी। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर नहीं है, ये क्लिप मैंने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था, बट क्योंकि आप लोग इंस्टाग्राम पर नहीं है तो इसीलिए मैं यहाँ पर भी आपसे शेयर करना चाहती थी कि विराज को हमने स्केटिंग जो है वो सिखा दी है। स्केटिंग सिखाने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है बच्चे को बायलैटरल मूवमेंट सिखाना। बायलैटरल मूवमेंट का मतलब होता है कि बच्चा अपने दोनों पैरों को या दोनों साइड ऑफ बॉडी को जो है अच्छे से यूज करे ताकि वो बैलेंसिंग सीखे। ऑटिज्म में बच्चे जनरली अपनी बॉडी का एक साइड जो है या एक पार्ट जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं यूज़ करना। ऐसा बहुत कॉमनली देखा गया है कि या तो बच्चा राइट साइड ऑफ बॉडी यूज़ करेगा या फिर लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी यूज़ करेगा, एंड इसी वजह से जो उनकी बैलेंसिंग होती है या जो उनका मोटर स्किल होता है उसमें प्रॉब्लम आती है। एंड इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे फिजिटी होते हैं, क्लम्जी होते हैं, गिर जाते हैं जल्दी से, या फिर प्रॉपरली उनकी वॉक जो है वो स्टेबल नहीं होती है। तो ये बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से बायलैटरल मूवमेंट यानी दोनों पार्ट्स ऑफ बॉडीज को यूज़ करना बच्चे को आए वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए डेवलप करना, जिसमें स्केटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है, बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। स्केटिंग सिखाने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि बच्चे को बायलैटरल मूवमेंट आएगी। सेकेंड बेनिफिट ये है कि बच्चे को डायरेक्शन समझ में आती है, यानी आप जब बोलेंगे लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, सेंटर में आओ या फिर स्लो चलो, तेज चलो, बहुत सारी वोकैबलरी तो गेन होती ही है, साथ साथ बच्चा जो है लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट भी समझता है। तो जस्ट सिटिंग ऑन अ टेबल, टेबल पे बैठकर अगर आप लेफ्ट राइट सिखा रहे हैं उससे ज़्यादा अच्छा बच्चा एक्सप्लोर करते समय सीखता है। तो हमने जब विराज को स्केटिंग सिखाई थी एंड जब हमने बोला लेफ्ट जाना है राइट जाना है, तो धीरे धीरे करके उसने ये वर्ड्स भी ग्रैस्प करने शुरू करे एंड अब उसे लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट, उसे डायरेक्शंस का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आता है। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि मैंने आप लोगों से काफ़ी सारी चीज़ें लर्न करी हैं, तो बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझे सजेस्ट किया था कि मुझे विराज को स्केट सिखाने चाहिए, उससे ब्रेन पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। स्केट सिखाते समय कुछ बातों का ध्यान आप ज़रूर रखिए। पहली चीज़, जो आप स्केट्स लेते हैं वो इस तरह से हो कि बच्चा फॉल ना करे, यानी कि जो डबल साइडेड वाले स्केट्स आते हैं आप वही यूज़ करिए। बहुत सारे स्केट्स ऐसे भी आते हैं मार्केट में, एक बहुत बड़ा ब्रांड है डीकैथलॉन, आप जब वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पे दो तरीके से सेटिंग हो जाती है व्हील्स की, एक होता है सिंगल लाइन में 4 व्हील्स लगे हुए एंड वो डबल साइड पैरेलल साइड भी व्हील्स लग जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्केट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको रिकमेंडेशन चाहिए विराज ने कौन से पहने हुए थे, तो हमने डीकैथलॉन के स्टोर से लिए थे। सबसे पहला स्टेप स्केट सिखाने में हमेशा यही होता है कि बच्चा स्केट्स पहन के खड़ा होना सीखे। खड़े होने के बाद आता है वॉकिंग एंड वॉकिंग के बाद आता है बच्चा थोड़ी सी स्पीड ग्रैस्प करे। लास्ट स्टेप होता है बच्चा डायरेक्शन समझना शुरू करे, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग स्केट्स को मूव करना। तो स्केटिंग जो है वो बहुत जल्दी आने वाला प्रोसेस नहीं है। स्केटिंग बच्चे को स्कूटी सीखने में भी मदद करती है। आप पहले स्कूटी भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, स्कूटी से भी काफ़ी हेल्प मिलती है। हमने सबसे पहले स्कूटी ही इंट्रोड्यूस करी थी। स्कूटी से विराज को जो है दोनों पैरों को चलाना समझ में आया था एंड इसी वजह से जो है उसको स्केट्स उतने अच्छे रिलेटिव लगे कि वो आराम से जो है स्केट सीख पाए। तो आप कोई भी चीज़ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं पहले, चाहे स्कूटी चाहे स्केट्स, एंड देन ये जो दो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको बच्चे के अंदर शो करेगी। इससे बच्चे के अंदर बॉडीली अवेयरनेस आती है, सराउंडिंग की अवेयरनेस आती है कि अगर कोई ऑब्स्टेकल है तो मुझे देखना है सामने। बच्चे बहुत ज़्यादा नीचे, आपने देखा होगा कि बच्चे जो है उनकी आदत होती है नीचे देख के चलने की। ये जो स्केटिंग वाला पार्ट है, अगर ये प्रैक्टिस हो रही है रेगुलरली, बच्चे को आदत पड़ जाती है सामने देख कर चलने की। क्योंकि अभी धीरे धीरे उनको ये समझ में आ रहा है कि सामने से अगर कोई चीज़ आ रही है तो मुझे अपना बैलेंस कंट्रोल करना है एंड उसको डायरेक्शन को जो है चेंज करना है, सामने वाली ऑब्स्टेकल से मैं हिट ना करूँ। तो बॉडी अवेयरनेस, डेंजर अवेयरनेस, डायरेक्शंस, लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट एंड साथ ही साथ बच्चे का मोटर स्किल बहुत अच्छा होता है। ये एक तरीके से थेरेपी ही है जो आउटडोर्स हमें करानी होती है।
क्योंकि जितना बच्चा अपनी सराउंडिंग को समझे, अपने एनवायरनमेंट को समझे और ये समझे कि अगर कोई ऑब्स्टैकल है तो मुझे प्लानिंग कैसे करनी है उस ऑब्स्टैकल को क्रॉस करने के लिए, ये सभी चीज़ें जो हैं बायोलैटरल मूवमेंट यानी स्केट, स्कूटी या साइकिलिंग इनसे आती है। साइकिलिंग सीखना इज़ अ टफ पार्ट, साइकिलिंग भी विराज सीख गया है। मैं आपको जल्दी ही इसके बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी कि हमने विराज को साइकिलिंग कैसे सिखाई है। कुछ ऐसी टिप्स हैं जो शायद आपके काम आ सकेंगी और बच्चों को मदद मिलेगी। तो बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ आपसे मिलूंगी जहां पर मैं साइकिलिंग के बारे में आपसे शेयर करूंगी। तब तक जब तक हम साइकिलिंग के बारे में बात करते हैं, आप ट्राई करिए कि आप अपने बच्चों को स्केटिंग या स्कूटी दोनों ही इंट्रोड्यूस करवाइए। आई होप मेरा ये वीडियो जो है आपको एक आइडिया प्रोड्यूस करेगा माइंड में, जहां आपको मदद मिलेगी कि आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो स्केटिंग इज समथिंग जो आपको ज़रूर इंट्रोड्यूस करना चाहिए एंड इफ़ नॉट स्केटिंग तो एटलीस्ट स्कूटी तो ज़रूर ज़रूर इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही जो है वो हेल्प करते हैं बायलैटरल मूवमेंट को अच्छा करने में। तो जब तक हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा। बाय।